हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत किया जाता है। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके घर परिवार को आशीष दे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। पिता का धन्यवाद करेंगे जो पिता ने हम सबको जीवितों के बीच में जीवित रखा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ठीक है, हम सभी से तो जो भी दिन भर में पाप गलतियाँ गुनाह हुए हैं, सब पिता के सामने मानेंगे, उन्हें छोड़ेंगे, पश्चाताप करेंगे, ठीक है। हमें पिता से छिपाना नहीं है, हमें पिता से शर्म नहीं करना है, ठीक है। आपको अपने घर परिवार वालों से बताने में शर्म आती है, ठीक है, कि आपको जिंदा परमेश्वर से भी बताने में शर्म आती है? नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें पिता से कुछ नहीं छिपाना है, वह हमारा पिता है, ठीक है। और हम अपने पिता से अपनी सारी जरूरतों को, सारे पापों को, गुनाहों को बोलेंगे और अपने पापों की क्षमा मांगेंगे पिता से, ठीक है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह ने कहा है, जो अपने अपराधों को छिपा कर रखता है उसका कार्य कभी सफल नहीं होता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ठीक है, पिता ने कहा है, पवित्र आत्मा ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है, ठीक है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने कहा है, जो डाली मुझ में नहीं फलती है मैं उसको काट डालता हूँ, और जो फलती है उसको मैं और छाटता हूँ ताकि वह और फले और फल लाए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप मसीह में हैं तो आपको फलवंत होना है, ठीक है, एक दूसरे के आशीष का कारण बनना है आपको, ठीक है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, ठीक है, हमें पाप नहीं करना है, क्योंकि जब हमारे जीवन में पाप रहता है तो पिता हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है, व्यभिचारियों की प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुनता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और आपको भी पवित्र बनना पड़ेगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ठीक है, यीशु मसीह ने कहा है, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, ठीक है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमको अपने सारे चाल चलन में पवित्र बने रहना है, धर्मी बने रहना है, ठीक है। पिता से बताना है, अपने दुखों को, तकलीफों को शेयर करना है पिता से, ठीक है। प्रार्थना है, प्रार्थना को काट पीट के नहीं सुनते हैं, नहीं देखते हैं, ठीक है। मोबाइल को एक साइड में रख दे, प्रार्थना को चालू करके रख दे और प्रार्थना को लास्ट तक सुने और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करे, ठीक है। तो चलिए हम प्रार्थना को शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ, आपके नाम की जय जयकार करते हैं मेरे पिता। मेरे प्रभु, आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु मेरे पिता। मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, जो आपने मेरे पापा हम सबको मेरे पिता जूतों के बीच में मेरे स्वामी जीवित रखा है, मेरे पिता संभाल के रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है यीशु पापा, इसके लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। मेरे प्रभु, कितने तो मनुष्य होंगे, अन्य जाति लोग होंगे, सांसारिक लोग होंगे मेरे पिता, जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो बिना वचन ही के, बिना उद्धार ही के मर गए होंगे मेरे प्रभु, और वह कैसे स्थान जगह पर चले गए होंगे मेरे पिता, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरते हैं मेरे प्रभु। आपने कहा है मेरे पिता, जहाँ पर धनवान था पराया, एक बूंद प्यास के कारण मेरे पिता उसका शरीर मिट्टी में मिला पड़ा हुआ है मेरे पिता, उसकी आत्मा धुलोक में तड़प रही है एक बूंद प्यास के कारण मेरे पिता। मेरे प्रभु, वो वही वैसे स्थान जगह पर चले गए होंगे मेरे प्रभु। मेरे पिता, जो आपने हम सबको सुरक्षित रखा है, जीवित रखा है मेरे पिता, इसके लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी बढ़ाई हो, आपकी तारीफ हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार करते हैं मेरे यीशु पापा। मेरे प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, होने दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो बीमार है मेरे पिता, जो बीमारी में ग्रस्त है मेरे पिता परमेश्वर पिता, जो तमाम इलाज दवाइयाँ करा चुके हैं मेरे प्रभु, नहीं ठीक होती उनकी बीमारियाँ मेरे प्रभु। मेरे प्रभु, जिनके भी पीलिया है, डेंगू है, बुखार है, ब्लड कैंसर है, गिल्टिया, पत्थरिया, रसोलिया, नाना प्रकार की बीमारियाँ, घातक बीमारी, जानलेवा हमला बीमारियाँ, क्यों ना मेरे पिता, वे आपसे बड़े कुछ नहीं मेरे प्रभु। मेरे पिता, पवित्र आत्मा जी, आप उन्हें छू लीजिए, आप उन्हें ब्लेस कर दीजिए, वे आजाद हो जाए अपने बीमारियों से मेरे पिता। आपका वचन कहता है मेरे प्रभु, आपने कहा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। यश पिता परमेश्वर, यश, हालेलुया। प्रभु, आपके नाम से मांगते हैं, आपके नाम से गुहारते हैं, आपके नाम से पुकारते हैं यीशु पापा। मेरे प्रभु, जो हॉस्पिटल में बेड पर पड़े मेरे प्रभु, किसी के पास इतना पैसा नहीं है मेरे पिता कि अपना इलाज करा सके मेरे पिता, प्रभु आप उन्हें छुए मेरे पिता, और आप पिता उनके पापों से, उनकी बीमारियों से आप रिहा कर दीजिए, आजाद कर दीजिए मेरे प्रभु। आपके नाम से मेरे पिता ये चंगे हो जाएं। यू टच भी पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा, जितने लोग आपकी हुजूरी में, आपकी उपस्थिति में बैठे हुए मेरे पिता, आप हर एक जनों को छू लीजिए, ब्लेस कर दीजिए। यू टच भी पवित्र आत्मा जी, ब्लेस कर दीजिए पवित्र आत्मा जी। पवित्र आत्मा जी, हम प्रार्थना करते हैं, जो टूट गए हैं, जो बिखड़ गए हैं, जो अपने पापों को, गुनाहों को लेकर, हर बीमारियों को लेकर पिता, शादियों को लेकर, कर्ज को लेकर, बोझ को लेकर, परिवार की टेंशन लेकर टूट चुके, बिखर चुके, रो रहे, बिलख रहे, चिल्ला रहे मेरे पिता, मेरे प्रभु आपके नाम से मेरे पिता, उनका रोना, बिलखना, चिल्लाना बंद हो जाए, अभी इसी घड़ी बंद हो जाए, उनका
सुख आनंद में बदल दे पाए, उनकी उदासी आनंद में बदल दे पाए मेरे पिता, उनको रोना बिलखना चिल्लाना हंसी में बदल जाए इस मसीह आपके नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवादेशु 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 धन्यवादेशु। पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं यीशु पापा। हम आपकी तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, जय जयकार करते हैं मेरे पिता। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, जो गरीब है मेरे प्रभु, जो लाचार है मेरे पिता, जो कमाने वाले नहीं है यीशु पापा मेरे प्रभु, ये किसी अन्य जातियों का हाथ ना फैलाने पाए मेरे प्रभु। आप इनके हाथ मांगने वाले नहीं, आप इनके हाथ देने वाले बना दीजिए मेरे पिता, इनके हाथ देने वाले हो जाए मेरे प्रभु। मेरे पिता आपने कहा है मैं तेरे हाथ मांगने ले नहीं, मैं तेरे हाथ देने ले बना दूंगा। यस मेरे पिता यस। हालेलुया। प्रभु आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे। यस हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी जय जयकार करते हैं मेरे पापा मेरे प्रभु। इनके घरों के परिस्थिति से उंडेल दीजिए मेरे पिता, बरकतें उंडेल दीजिए मेरे पिता, तंगी परेशानी दूर हो जाए, गरीबी दूर हो जाए मेरे पिता। बहुत ही जातियों को उधार देने वाले बन सके मेरे प्रभु। मेरे पिता जो भूखे हैं प्यासे हैं, जो तृप्त कीजिए मेरे पिता, जिनको कपड़े पहनने को नहीं है मेरे पिता, उन्हें कपड़े पहनाइए किसी न किसी मनुष्य की तरह मेरे प्रभु। उनकी सहायता करिए, मदद करिए, भोजन खिलाइए मेरे प्रभु मेरे पिता। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, जो नौकरी की तलाश में गए हैं मेरे पिता, जिनकी नौकरियां नहीं लग रही मेरे पिता, जो काम के लिए बाहर गए हैं मेरे पिता, जिनका काम नहीं बन रहा है मेरे पिता, जो इस वक्त इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ सुन रहे इस मसीह के नाम से मेरे पिता, उनका काम बन जाए, उनके नौकरियां लग जाए इस मसीह आपके नाम से मेरे प्रभु। मेरे पिता ये सब कुछ छोड़ छाड़ के यीशु पापा आपके पीछे आए मेरे प्रभु। मेरे पिता आप इन्हें खिलाइए, आप इन्हें दीजिए मेरे प्रभु। आप हमारे पिता हैं, हम आपके बेटे बेटियां हैं मेरे प्रभु। हम आपसे मांगते हैं यीशु पापा, गुहारते हैं पुकारते हैं मेरे पिता, आप दीजिए मेरे पापा, दीजिए इस मसीह आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी जय जयकार करते हैं मेरे प्रभु। आपने मुर्दों को जिलाया है, हिंदुओं को दृष्टि दिया है, कोढ़िया बाजों को शुद्ध किया मेरे प्रभु। आपने महान आश्चर्य काम किए हैं मेरे पिता, इसके लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवादेशु 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 धन्यवादेशु। पवित्र 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 आप राज्यों के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु मेरे पिता। आप सब शक्तिमान अल्फा ओमेगा दुरंत है मेरे पिता, आपकी ना कोई तुल्य हुआ ना कोई पाएगा इस जगत में मेरे पिता। मेरे पिता आपने महान आश्चर्य काम किए हैं मेरे पिता मेरे प्रभु। होने दे यीशु पापा, हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु हर एक जन के लिए, हर एक सदस्य के लिए मेरे पिता। पिता जो भी हम सबों से पाप गलतियां गुना हुए हैं, चाहे जितना भी गंभीर खातक खतरनाक पाप क्यों ना हुआ मेरे प्रभु, मेरे पिता माफ करें मेरे प्रभु, आप क्षमा करें मेरे प्रभु। क्योंकि पिता हम मनुष्य जाते प्रभु, अनजाने में पाप हुआ है मेरे प्रभु, आप माफ करें मेरे पिता। जो जानबूझकर पाप हुआ है मेरे प्रभु, आप माफ करें, आप क्षमा करें मेरे पिता। क्योंकि पिता आपके पास अधिकार है मेरे पिता कि आप हम सभी के पापों को, धर्मों को, गुनाहों को ढाप सकते हैं, माफ कर सकते हैं यीशु पापा मेरे प्रभु। आप माफ करें पवित्र आत्मा जी, सहायता करें, मदद करें पवित्र आत्मा जी, ब्लेस कर दीजिए पवित्र आत्मा जी, यू टच में पवित्र आत्मा जी। हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा, आपकी तारीफ हो, आपकी जय जयकार करते हैं, जय जयकार करते हैं प्रभु। आपकी महिमा हो मेरे पिता मेरे प्रभु। आपने हम सबों से प्रेम किया है मेरे पिता, आपने प्रेम किया, आप अपने आँख की पुतली की तरह हम सभी को संभालते हैं, प्यार करते हैं मेरे प्रभु मेरे पिता। जो मसीह भवन काम के लिए गए मेरे पिता, वो आने जाने में उनकी सहायता करें, मदद करें मेरे पिता। आपका वचन कहता है जहाँ कहीं तू जाएगा मेरा वचन तेरे लिए पांव का दीपक है, तुझे चलने में रोक ठोक ना होगी। यस हालेलुया मेरे प्रभु। आप अंग संग रहे मेरे प्रभु, आपने कहा मैं तेरे आगे आप चलूंगा। यास मेरे प्रभु, पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी सहायता करिए, मदद करिए मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, जो रात में नहीं सो पाते, डर लगता है, भय लगता है, गंदे सपने ख्याल विचार आते हैं मेरे प्रभु। आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी। यास हालेलुया। प्रभु आपके नाम से मांगते हैं मेरे प्रभु मेरे पिता, ये छोटी सी विनती आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करेगा। आमीन